कभी कभार जिंदगी के अंदर ऐसे हवाल होते हैं, फैमिली के मसाले होते हैं या ज़ाती मसले होते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी इबादत के अंदर ध्यान नहीं दे सकते। तो ऐसे में एक नंबर वन क्या करना चाहिए, और दूसरा सवाल ये मैं अपनी तरफ से ऐड करूँगा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि इसकी वजह से हमारा कोई रूहानी नुकसान या फरमान बरदारी में कोई कमी आ जाती है, ऐसा तो नहीं होता कहीं? तो दूसरा जो सवाल है उसका जवाब पहले हम देते हैं, और वो इमाम के फरमान से देते हैं, क्योंकि इमाम के फरामीन हमारे पास हर हमेशा गाइडेंस के लिए मौजूद है। इमाम ने फरमाया कि आप मशीन नहीं हैं कि जब मर्जी आए उसको ऑन कर दिया और जब मर्जी आए उसको ऑफ कर दिया। हम इंसान हैं, और इंसान होने के नाते से हमें अच्छे और बुरे ख्यालात आते रहते हैं, और वक्त बे वक्त ख्यालात भी आते रहते हैं। यानी कि जब सोचने का टाइम होता है तभी भी सोचना होता है, लेकिन इबादत के वक्त जो हमको ध्यान लगाना होता है उस वक्त दुनिया के ख्यालात का वक्त नहीं होता है, लेकिन बेवक्त वो ख्यालात आ जाते हैं। और उसके दो वजूहात हैं, एक शैतान अपना काम कर रहा होता है, क्योंकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि हम खुदा की याद में कोई वक्त गुजार दें, और इसी वजह से वो अपना वार करता है, और इसकी वजह से हमको वो ख्याल आता है। लेकिन मैं आपको यह बात बताऊं, उसकी जड़ जो है ना वो हम खुद हैं। शैतान की मजाल नहीं कि वो खुदा के काम में कुछ आड़े आए, लेकिन जब तक हम उसको इजाज़त ना दें या मौके फराम ना करें, और अफसोस कि हम खुद उसको ये मौके फराम करें। क्या मतलब है, किस तरह से? क्योंकि इम्तिहान देना था 4 बजे, सारा दिन उसकी तैयारी करनी थी, उस तैयारी में हम गाफिल रहे, कोताही की, और सुबह के 4 बजे की तैयारी की। सारा दिन क्या किया? हाई हो, यानी कि इधर की फिक्र उधर की फिक्र, इसकी बात उसकी बात। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि दुनिया का काम नहीं करना है, और दुनिया की की तरफ तवज्जो नहीं देनी है, और दुनिया की फिक्र नहीं करनी है, घर भी चलाना है, फैमिली को भी चलाना है, लेकिन उसकी कोई लिमिट होनी चाहिए, और उसके दरमियान में ऐसा वक्फा भी होना चाहिए कि जहाँ पर हम इमाम को याद करें। देखें आप, गोल्डन जुबली में मौलाना ने कितनी जगहों पर, और खास करके केनेडा के हर फरमान में, जितने भी गोल्डन जुबली का फरमान है ना, उसको उठा के देखे हैं, मौलाना ने फरमाया आपके पास 5 सेकंड भी हो तो आप मुझे याद करें, आप खुदावंद तआला को याद करें, मोहम्मद को याद करें, अली को याद करें, और इमामों को याद करें। तो आपने देखा कि हमारे दुनियाओं के कामों के साथ हमारा खुदावंद तआला की तरफ तवज्जो देना भी ज़रूरी है। ईरान की तरफ आए, उठते बैठते जागते साहिब जिनो नाम ले लो, कुरान की तरफ आए, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 193, खुदावंद तआला हुक्म फरमाते हैं कि मोमिन शख्स और ईमानदार लोग वो हैं जो खड़े बैठे और करवट पर, यानी कि सोए हुए, मुझको याद करते हैं। ये एक मोमिन शख्स की निशानी है, और उन्हीं के लिए एक अच्छा बदला है, एक अजर है। तो आपने देखा कि ये हमारा सेवा होना चाहिए कि दुनिया के काम के साथ साथ हम इमाम को याद करें, और हर 5 सेकंड में उसको याद करें, ताकि ये 5 सेकंड बनते बनते एक दरिया बन जाए,
और फिर वो हमको अपने इम्तिहान में 4 बजे काम आए। आ जाएं हम दूसरी तरफ, आप कहेंगे कि अजीज भाई आपने ये तो कह दिया कि मेरी कमज़ोरी क्या है लेकिन उसका इलाज नहीं बताया। चले आ जाए इलाज की तरफ। ये कमज़ोरी हम सब में है और इमाम हमारी रूह का डॉक्टर है, तो इसका मतलब इसका इलाज भी होना चाहिए। और इसका इलाज ये है, इस नाचीज व गरीब की नज़र में, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, इमाम बेहतर जानता है, पीरों ने हमको इनके बहुत सारे रास्ते बताए हो, लेकिन ये रास्ता भी आप याद करें, इंशाल्लाह आपको काम आएगा। जब हम इबादत में बैठते हैं तो इबादत का वक्त क्या है वो देखें। अगर आप 4 बजे की इबादत के लिए 3 बजे नहीं उठते हैं तो आपने काम अच्छा नहीं किया है। अगर आप 4 बजे उठेंगे, मुंह धो के जमाखाने पहुँचेंगे या मुंह धोए बगैर घर के अंदर ही बैठ जाते हैं, बल्कि पलंग से ही नहीं उठते हैं, पलंग पे ही बैठ जाते हैं, हाँ कोई तकलीफ है बीमारी है उसकी इजाज़त दी है इमाम ने, लेकिन जमात खाने जाकर इबादत करने का जो सवाब है वो दुगना है और ज़्यादा है। आए हैं हम पहले जमात खाने की मिसाल ले लेते हैं। अगर आप 4 बजे उठते हैं, हाथ मुंह धो के जमात खाने 4:30 बजे पहुँचते हैं, आपको पता है कि 15-20 मिनट तो सांस को दुरुस्त करने में और पाँव को ठीक करने में लग जाते हैं, तो फिर आप इबादत कब करेंगे? ये तरीका दुरुस्त नहीं है, ये मोमिन की निशानियों में से नहीं है, क्योंकि ये तो सुस्ती की निशानी है और मोमिन शख्स सुस्त नहीं होता है। वो तो इमाम के इश्क में रात को सोता कहाँ है, वो तो 3 बजे उठता है और दौड़ता है इमाम की तरफ। क्यों? कि इमाम ने फरमाया दीदार जमात खाने में है, जमात खाने आओ। आप सोचें एक मिनट के लिए, अपने पिछले जारी दीदार को याद करें, जब अनाउंसमेंट हुआ कि फला तारीख को इमाम 12 बजे पिंडौल में तशरीफ लाएंगे, हम 4 बजे पहुंच गए पिंडौल के अंदर। तो क्या रूहानी दीदार के लिए जो उससे भी ज़्यादा बड़ा और परमानेंट है, जारी दीदार एक वक्त के लिए, एक दिन के लिए है, एक घंटे के लिए है और कुछ दिनों तक और कुछ सालों तक उसकी तासीर रहती है, वल्लाह रूहानी दीदार की तासीर ज़िंदगी भर रहती है। उस दीदार के लिए आप क्यों खुशा नहीं है, क्यों दौड़ते नहीं है, क्यों सोए हो? 3 बजे उठकर चाक चौबंद होकर जमात खाने जाए, कुछ इनान सुने, कुछ नियत करें, कुछ तस्बीहात निकालें, कुछ अपने पाँव को और ज़हन को आराम से लाएं, ताकि जब आप 4 बजे का सिजदा करें और मुखी से दुआ करें हमारे लिए कि या मौला उनको अपना नूरानी दीदार नसीब करना, तो आपकी आंखों में आंसू होने चाहिए। कौन से आंसू? वापस याद करें उस जारी दीदार को कि जब इमाम हॉल में तशरीफ लाए थे तो कैसे आंसू थे हमारे आंखों, हमारे दिल में क्या हलचल थी, ऐसे आंसू और ऐसी हलचल दिल के अंदर, बस इमाम तशरीफ ला रहा है, बस इमाम आता ही जा रहा है, बस इमाम अभी अभी आने वाला है, ऐसा इश्क हो दिल के अंदर, फिर सजदे से आप उठें आंसुओं के साथ और अली का नाम लेके अपने इसमें आदत को पढ़ें, तेजी से पढ़ें, सुस्ती से नहीं, यानी के याली याली याली
ये नहीं तरीका है। यहाँ तो शैतान को मौका है, दरमियान में घुस जाएगा, तेजी से अपने इसमें आजम को छाप है कि कहीं कोई शैतान दरमियान में घुसने ना पाए, कोई ख्याल दरमियान में ना आए, कोई वसवसा कहीं से ना आए। अपने इर्द गिर्द के तमाम चीजों को बुलाकर, कोई खांसता है कि कोई शोर मचाता है, हमारे कानों में उसकी आवाज ना आए, इस तरह से बत्ती बन करके इल्म की तलवार के साथ और शैतान की तरफ से दरवाजा बंद करके इबादत के अंदर, अपने आलम शख्सी के अंदर यानी कि अपने दिल के अंदर उतर जाए, फिर अपने इसमें आजम को पढ़े। और अगर हमारी इंसानी बशरी कमजोरी की वजह से कोई जहन में ख्याल आता है तो फौरन से दोबारा से नियत करते हुए सजदे में गिर पड़े, दोबारा से नियत करें, या मौला मैं इबादत के लिए आपके हुजूर में आया हूँ, अभी अभी मुझे बताया कि आपकी रूहानी आमद है और मैं तैयार हूँ तुम्हारे रूहानी दीदार के लिए, दोबारा से आंख में एक आंसू का कतरा लाए, दोबारा से शुरू करें। आप यकीन जाने 5-5 मिनट इस तरह से गुजारें आप, एक दिन वो 10 मिनट बन जाएगी, दूसरे दिन वो 15 मिनट बन जाएगी, तीसरे दिन वो 20 मिनट बन जाएगी, करते करते आपका घंटा कहाँ चले गया आपको पता नहीं चलेगा, और आप कहेंगे काश मैंने 4:45 बजे शुरू कर दी होती इबादत तो मुझे 1.25 घंटा मिल जाता, मैं अपने इमाम को और ज्यादा अच्छी तरह से देख पाता। अब बत्ती जल गई, अब मैं क्या करूं, ये हमारी रूहानी इबादत के अंदर की जो बीमारी है उसका इलाज मौजूद है कि जब जब शैतान या दुनिया हमें तंग करे और कोई ख्याल दरमियान में आए, वसवसा आए, कोई बाहर का शोर सुनाई दे, फौरन से सजदे में गिर पड़े क्योंकि ध्यान टूट गया है। अब अगर आपने कंटिन्यू कर लिया अपना इस्म, वो शैतान वो वसवसा वो ख्याल आपको तंग करता रहेगा, आप उससे लड़ते रहेंगे नहीं, उसका इलाज करें पहले, उसका इलाज है सजदा, उसका इलाज है नियत, उसका इलाज है जिक्र, क्रियादारी और आंसू। दोबारा से बिल्कुल फिक्र मत करें, 5 मिनट भी अगर अच्छी तरह से आपके इस्तेआज़ा आपने पढ़ लिया, समझ लिया, आप कामयाब हो गए, फिर 5 मिनट और, फिर 5 मिनट और, फिर 5 मिनट और, 1 घंटे के अंदर अगर आपको इस तरह से 45 मिनट भी मिल जाते हैं 5-5 मिनट करके, तो हमारे लिए बहुत खुश नसीब की बात है। मुझे पूरा यकीन है इमाम की रहमत पर कि जब इमाम ने इसमें आज़म हमको दिया तो उसने ये दुआ की थी हमारे लिए कि मैं दुआ करता हूँ कि तुमको जिंदगी में एक मरतबा ज़रूर नूर का दीदार हो और वो शादमानी हासिल हो कि जो कभी ख़त्म नहीं हो पाती, परमिनेंट सलामती है। जब इमाम ने ये दुआ कर ली हमारे लिए, जब इमाम ने ये ख्वाहिश कर ली, तो वो तो दोनों जहान का बादशाह है, कैसा मुमकिन नहीं कि ये काम हमारे लिए हो जाए, बस हमारे तरफ से एक कदम उठाने की जरूरत है, इल्म के साथ, समझ के साथ, नियत के साथ, गिरियाउजारी के साथ, सजदे के साथ। हदीसे कुदसी है कि कोई मुझसे करीब नहीं आ सकता, खुदा फरमाते हैं
कोई मुझसे करीब नहीं आ सकता है मगर सजदे के जरिए से, सजदा करो और मेरे करीब आ जाओ। इसलिए सजदा हमारी बीमारी का सबसे बड़ा इलाज है और खुदावन ताला से इमाम के नूर से दूरी का सबसे बड़ा इलाज है सजदा। सजदा करें इमाम के नूर के करीब आ जाए, सजदा करें इमाम के दीदार के करीब आ जाए, सजदा करें और खुदावन ताला के करीब आ जाए। तो ये नाचीज का एक हम्बल ओपिनियन है, आप ट्राई करें। इमाम की दुआएं आपके साथ हैं, मुफ्ती साहब ने आपके लिए दुआ की होती है, सिफारिश की होती है कि मौला आपको नूरानी दीदार नसीब फरमाए। आप आमीन के सजदे में जाएं, दो मिनट सजदे में गुजारें, कुछ दुआएं करें, कुछ नियत करें और मौला के दीदार के लिए एक कतरा आंसू कम अज कम, बल्कि आपके नरीमत हजार कतार रोएं, अपने दिल के गुबार को धो लें। कैसा मौला नहीं आएगा, मौला में तो काम है। मौला फरमाते हैं अपने पिछले जामे में कि हम दुनिया में तकलीफ लेकर आपकी रूहानी तरक्की के लिए आए हैं, अगर हम रूहानी तरक्की नहीं करेंगे तो मौला ने जो जिस्मानी और ज़ाती तकलीफ दी है हमारे लिए वो बेकार हो जाएगी। हम ऐसा काम ना करें कि हमारी वजह से मौला को तकलीफ हो, बल्कि हम उनकी आंखों की ठंडक बन जाए। जब हम रूहानी तरक्की करेंगे तो फिर जाकर मौला हमसे खुश होगा। फिर जब मौला कहेंगे माय स्पिरिचुअल चाइल्ड या माय स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, आप दिल में खुश हो जाएंगे एकदम से कि मौला तो ये मेरी बात कर रहा है, पर्सनली आपकी बात कर रहा होगा मौला, और किसी के लिए नहीं, आपके लिए फरमाना होगा। हर फरमान फिर आपके लिए होगा, हर इमाम की तवज्जो आपके लिए होगी। जितने भी वो जवाहरात फैलाता है वो आपके लिए होंगे, इमाम का सारा इल्म आपके लिए होगा, इमाम के सारे असरार आपके लिए होंगे, इमाम के नूर और रूहानियत आपके लिए होगी। और मुझे इसके अंदर कोई डाउट नहीं, 100% श्योर हूँ कि इमाम हमारे लिए ये चाहता है। बस एक कदम हमको उठाना है, कोशिश करनी है इल्म के साथ सही तरीके। बहुत नवाजिश याली मदद।